हे गाइस, वेलकम बैक, इट्स फॉरेक्स मॉन्क हियर। आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी की क्योटेक्स में, विच इज़ क्योटेक्स 2 मिनट्स स्ट्रैटेजी, राइट। सो क्योटेक्स की 2 मिनट स्ट्रैटेजी मैं किस लिए आपको सिखाने जा रहा हूँ। आपके रेगुलरली मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आते रहते हैं कि सर 1 मिनट स्ट्रैटेजी आपने बहुत सारी वीडियो बना ली, मेरे को 5 मिनट्स स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना है, 2 मिनट्स स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना है। सो आपकी क्वेरी को एड्रेस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 मिनट्स स्ट्रैटेजी की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे 5 मिनट्स स्ट्रैटेजी की वीडियो भी बनाऊंगा, राइट। सो कम ऑन टू द टॉपिक कि हम 2 मिनट्स स्ट्रैटेजी क्यों यूज करते हैं और ये कैसे बेटर है 1 मिनट स्ट्रैटेजी पे, किस मार्केट में ये ज्यादा काम करता है, ठीक है। सो 2 मिनट्स स्ट्रैटेजी को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हमें जो टाइम फ्रेम है वो 2 मिनट कर लेना है। बट ध्यान रहे कि 2 मिनट टाइम फ्रेम ही सेलेक्ट नहीं करना है, हमें ट्रेड भी 2 मिनट की लेनी है, राइट। सो जैसे राइट नाउ टाइम इज 18:50, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18:52 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, या 18:53 ले लेंगे यहाँ पे जो टाइम लेंगे, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, 2 मिनट्स स्ट्रैटेजी का हमारा फायदा क्या है, ठीक है। जैसे मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट वॉलेटिलिटी के केस में क्या होता है, कैंडल ना बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म हो जाती है और कैंडल की डायरेक्शन का भी हमें नहीं पता चल पाता। राइट नाउ मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो देखो कितनी लंबी वीक बनाई, अगर हमारा ट्रेड यहाँ पे पास, यहाँ पे अगर प्लेस हो जाता, इसके यहाँ पे प्लेस हो जाता डाउन का, तो हम इसको लूज कर बैठते क्योंकि इसने यहाँ पे क्लोज करा यहाँ पे, ठीक है। सो हमें 2 मिनट्स की स्ट्रेटेजी इसलिए ऑप्ट करनी है वॉलेटाइल मार्केट में क्योंकि हम मार्केट का मूड अच्छे से पता कर सकें। ये देखो अभी भी 2 मिनट्स की कैंडल थी, 2 मिनट्स का ट्रेड था, मैंने डाउन लिया, फिर भी देखो मेरा लॉस हो गया। मार्केट की वॉलेटिलिटी आप देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे अपनी ट्रेड और मार्टिंगल के लिए मैं डाउन जाऊंगा, राइट। सो 2 मिनट्स की स्ट्रेटजी मेरी वॉलेटाइल मार्केट में बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा काम आती है और मैंने अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करा है 2 मिनट्स की स्ट्रेटजी से, राइट। सो राइट नाउ ट्रेड विल बी क्लोज इन 18:51 हो चुके हैं, 2 मिनट की स्ट्रेटजी का मैंने मार्टिंगल पोजिशन डाउन की तरफ यहाँ पे लिया हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये किस तरीके से हमारा प्रॉफिट कर सकती है। अगर आप नए हो चैनल पे तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 2000 फॉलोअर्स होने वाले हैं मेरे चैनल पे, राइट। और स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है, फटाफट से 2000 सब्सक्राइबर कर दोगे तो मैं रिस्क फ्री प्रोमो कोड्स का गिव अवे करूंगा अपने क्योटेक्स के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हो। मीनवाइल अगर आपको VIP ग्रुप ज्वाइन करना है फॉरेक्स मॉन्क का, सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा क्योटेक्स का, आपको उसको लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करना है और मेरे को ट्रेडर आईडी मैसेज कर देनी है टेलीग्राम पर, मैं आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पे हम डेली सिग्नल्स प्रोवाइड करा रहे हैं 10+, रिस्क फ्री प्रोमो कोड्स का भी गिव अवे VIP ग्रुप में अच्छे से कराते हैं, रेगुलरली कराते हैं और आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट गाइड भी प्रोवाइड कराते हैं। आप फटाफट से VIP ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो ये मेरा 2 मिनट का ट्रेड है, 18:53 पे ये क्लोज होना था, ठीक है। सो अब ये ऑटोमेटिकली, आपको बार बार यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार 2 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करा तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट टाइम 2 मिनट का ट्रेड यहाँ पे उठाएगा, राइट। सो यहाँ पे 2 मिनट का ट्रेड जो मेरा है, ये 5 सेकंड बाद शायद कंप्लीट हो जाए 2 मिनट, और ये मेरा ट्रेड विन हो जाएगा। सो ये मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, अगर आपको मार्टिंगल स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना है तो ये मेरा ट्रेड विन हो गया, लिंक आपको आई बटन के में मिल जाएगा, ठीक है। सो राइट नाउ मैं यहाँ पे डाउन की तरफ क्यों जा रहा हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंड को, अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रेंड को, यहाँ से इसने अप लिया, फिर इसने डाउन लिया, फिर अप लिया, डाउन लिया, अप लिया, फिर डाउन लिया। लेकिन अब जो नॉर्मल ट्रेडर होगा वो ये सोचेगा यहाँ से ये अप जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे कैंडल्स का पैटर्न देखो, यहाँ पे रेड हैमर बना, यहाँ पे बैक टू बैक 4 कैंडल हमारी रेड की बनी। जब तक ये सपोर्ट को टच करके 2-3 ग्रीन नहीं बनाएगा मेरे को, मैं क्यों जाऊंगा यहाँ पे, अब मैं तो डाउन ही जाऊंगा, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रेडिक्ट करना है कैंडल को या प्राइस को, इस तरीके से प्रेडिक्ट करना है। देखो नॉर्मल ट्रेडर की तरह सोचोगे तो आप भी लॉस कर बैठोगे, हमें 5% ट्रेडर जो सोचते हैं उनके हिसाब से सोचना है कि वो क्या सोचेंगे, हमें 95% क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चलना, अपनी ट्रेडिंग उस हिसाब से नहीं करनी, हमें तो फोकस करना है यूनिक थिंकिंग के बारे में, ठीक है। हम अपना प्रॉफिट करने आए हैं, मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए आए हैं, तो अपने प्रॉफिट को मार्केट से हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम जब तक यूनिक नहीं सोचेंगे, कुछ हटके नहीं सोचेंगे, हम मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है।
सो यहाँ पे भी मेरा ये वाला डाउन का ट्रेड है। डाउन का ट्रेड मैंने इसलिए लिया हुआ है, देखो रेड हैमर बना हुआ है, डाउन के जाने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे डाउन नहीं जाता है, ठीक है, और ये मेरा लॉस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल प्लेस नहीं करने वाला हूँ। रीज़न बीइंग मार्केट मार्टिंगल मैं इसलिए प्लेस नहीं करूँगा, अगर यहाँ पे एट दिस पॉइंट इसने दो तीन ग्रीन बनाए, सो देयर आर चांसेस कि मुझे अप की तरफ मूवमेंट देखने को मिले। ये मैकडी इंडिकेटर मैंने लगा तो रखा है, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कंप्लीटली प्योर एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये 6 सेकंड बाद शायद ट्रेड होने वाला है। वॉलेटिलिटी आपके सामने बिल्कुल जग जाहिर है कितनी है, रेड बनते बनते रह गया थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या होता है यहाँ पे, शायद अभी भी ट्रेड में टाइम बाकी है। ये मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है। अभी मैं देखो मार्टिंगल में तुरंत प्लेस कर सकता था डाउन की तरफ, लेकिन मैं मार्टिंगल क्यों प्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने इसको जो मेरा लॉस हुआ है ना अभी लास्ट वाला, इसको मैं अभी इंस्टेंटली रिकवर आपके सामने अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। आप अगर पेशेंस दिखाओगे अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है, लास्ट मिनट लास्ट जो मेरा वीडियो आया उसमें मेरा वीडियो 24 मिनट्स तक गया। सर बोले, मेरे से बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत लंबा वीडियो गया, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी तो अच्छा खासा हुआ ना। देखो ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, कई बार तो ऐसा होता है हम 15 मिनट में इतना ट्रेड कर लेते हैं, 15 मिनट में इतना ट्रेड कितना पैसा कमा लेते हैं कि हमें फर्दर ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी क्या है कि मार्केट रिक्वायर्स एफर्ट्स, अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे अपने मार्केट में अपनी ट्रेडिंग में, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, आप अपनी कैपिटल को लूज़ कर बैठोगे। सो एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे। इसने अपर वीक बनाई है, अपर वीक बना के इसने क्या है, बायर्स आर लूजिंग कंट्रोल ओवर द मार्केट और डाउन की तरफ ट्रेंड जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दैट्स वाई आई टुक द डाउन ट्रेड ऑफ मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये मैंने इस वजह से लिया है। यहाँ पे 2 मिनट का मेरे पास टाइम है। अभी देखो वोलेटाइल मार्केट होने के बावजूद मैं यहाँ पे फ्रीली बैठा हुआ हूँ, रीजन बीइंग आई हैव 2 मिनट्स टू कंप्लीट द कैंडल, ठीक है। कैंडल फॉर्म होने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, और मेरे पास टाइम रहता है। एक मार्केट को हम समय देते हैं थोड़ा सा स्टेबल होने का, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो रेड ने ना विग लंबी बनाई, इस वजह से मेरा लॉस हुआ। मैंने पुट का ही ट्रेड लिया था, आपके सामने कैंडल भी रेड बनी है, फिर भी मेरा लॉस हो गया। उसके पीछे वॉलेटिलिटी तो है, आप खुद सोचो ना वॉलेटिलिटी किस तरह मार्केट पे हावी है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डाउन ही जाना है ये, लेकिन ये क्या है, वॉलेटिलिटी का असर है कि हमारी रेड बनते बनते डाउन। अभी देखो ये रेड ही बना लास्ट में आके, लास्ट मोमेंट पे आके इसने मेरा लॉस करा दिया। सो जो मेरा लॉस है वो $600 का यहाँ पे हो चुका है। अभी हम इसको रिकवर करेंगे अपना, ठीक है। ये डाउन ही जाएगा आपके सामने, ठीक है। अभी 1857 हो रहे हैं, मैं क्या करता हूँ इसको 1859 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 4 ट्रेड ओपन करूँगा, ठीक है, आपके सामने। आई हैव 2 मिनट्स टू कम्प्लीट द ट्रेड। ये देखो आपके सामने भी 1.31 सेकेंड इसने लिए थे ट्रेड को कम्प्लीट होने में, ठीक है। अभी मेरे पास सफिशेंट समय है, 2 मिनट की मेरी कैंडल फॉर्म होगी। 2 मिनट की कैंडल फॉर्म होने पे लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। 4 ट्रेड मैंने लिए हैं और ये मेरे को इंस्टेंट रिकवरी देगा अभी के अभी आपके सामने, ठीक है। रीजन बीइंग उसके पीछे रीजन यही है कि देखो आपको कैपिटल अपनी एक साथ एक ट्रेड में नहीं लगा देनी है। मार्केट क्या होता है कि कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको लॉस भी हो सकते हैं, पर आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि इवन आपको लॉस भी हो जाए फिर भी आपकी कैपिटल इतनी है कि आप रिकवरी कर सको इस मार्केट से, ठीक है ना। मैं इतनी कैपिटल लेके चलता हूँ, इतनी लीवरेज लेके चलता हूँ कि मेरा लॉस ना हो, ठीक है, और मेरा लॉस हो भी जाए तो मैं उसे रिकवरी आसानी से कर जाऊँ। तो ऐसा आप भी प्रैक्टिस फॉलो करो इस तरीके की, और थोड़ा सा कैपिटल अपना बढ़ा के रखो अकाउंट में। जितने भी VIP मेंबर्स हैं जिन्होंने नए अकाउंट बनाए हैं मेरे लिंक से, उनको मैंने VIP ग्रुप में ऐड कर दिया है, जिनके टेलीग्राम पे मैसेज आए थे, और जो भी रह गए हैं वो मेरे को YouTube या टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, मैं उनको ऐड कर दूंगा जो ऐड होने से बच गए हैं, ठीक है। सो अभी ट्रेड होने में 22 सेकंड मेरे बचे हुए हैं, ठीक है। 2 मिनट की स्ट्रेटजी है तो थोड़ा सा कैंडल फॉर्म होने में ट्रेड कंप्लीट होने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम की तरह एंड मोमेंट पे कैंडल अप की तरफ नहीं गई। देखो आपके सामने क्लियरली विजिबल है ये कैसे लास्ट मोमेंट पे एकदम नीचे की तरफ आई, ठीक है। अभी मेरे को इसके अंदर एक कैंडल ग्रीन देखने को मिलेगी, ठीक है। आप अगर खुद देखोगे
एक कैंडल इसके अंदर ग्रीन आएगी, देन रेड फॉलो करेगा। रीजन बीइंग यहाँ पे देखो 6 to 7 कैंडल एकदम से रेड बनती चली जा रही है और बायर्स थोड़ा बहुत प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएंगे इसको खींचने का, लेकिन अल्टीमेटली ये ग्रीन कैंडल ही रेड कैंडल ही बनाएगा। 1859 इज नाउ टाइम, तो हम क्या करेंगे 7-1 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो अपना टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे अगेन। अब देखो आपके सामने 1:28 का मेरा टाइम है, 2 मिनट की स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं, 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, 2 मिनट का यहाँ पे मैंने टाइम सेलेक्ट कर रखा है ट्रेड कंप्लीट होने में। $200 का मेरा इन्वेस्टमेंट है और क्योटेक्स का मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट है, आप भी बना लीजिए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिव इन है, राइट। सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मार्केट की, तो आपके सामने देखो राइट नाउ क्या चल रहा है, मैं बताता हूँ मार्केट इतना वोलेटाइल क्यों है। देखो कई सारी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं जिससे फॉरेक्स मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। मार्केट डजंट लाइक वॉर, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, और सबसे ज़्यादा US मार्केट जो है वो इफेक्ट करता है फॉरेक्स के मार्केट को। और हमारे दो फेवरेट पेयर हैं यहाँ पे Euro USD और Euro GBP। अगर हम Euro USD को भी देखोगे तो कैंडल देखो छोटी छोटी बन रही हैं, फास्ट बन रही है यहाँ पे। ये देखो ये तो तुम्हारा 2 मिनट है, अगर मैं इसको 1 मिनट कर दूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैंडल बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे पकड़ बनाता जा रहा है। और ट्रेडर्स का क्या है कि अगर अच्छे से प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस के साथ अगर आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आप अपनी कैपिटल को लूज कर बैठोगे। तो आपको ट्रेड समझदारी से करना है। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आई विल एडवाइज़ कि फिलहाल 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग रोक दो। अगर आप अपनी कैपिटल को सेव करते हो वो भी अपने आप में एक प्रॉफिट ही है, राइट। सो इस तरीके की अपना सोच के चलो, अपना मनी मैनेजमेंट इस तरीके से करके चलो। कैंडल रेड ही बनी है और ये शायद मेरा रिफंड हो जाए, ये मेरा रिफंड हो गया $200 का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कैंडल जो बनने के चांसेस हैं, ये 50 सेकंड बचे हुए हैं क्योंकि 2 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है, और मैं क्या करूँगा 19 यहाँ पे मैं 3 पे सेलेक्ट कर दूंगा, 1901 हो रहे हैं, 1903 सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे अगर ये हैमर कैंडल बनाता है 37 सेकंड के बाद, तो मैं यहाँ अप की तरफ अच्छा खासा प्लेस करूँगा और मैं यहाँ पे जो ट्रेड है यहाँ पे $1000 का लगाऊंगा, ठीक है। तो ये बड़ी बैट होगी मेरी थोड़ी सी, रीज़न बीइंग इसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस काम आता है। जब कैंडल बैक टू बैक बनती हैं कई सारी, तो बायर्स प्रेशर लगाते ही लगाते हैं, और ये हैमर कैंडल बनी तो मैं अप की तरफ जाऊंगा $1000 के साथ, ठीक है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है, 12 सेकंड रह गए हैं, मैं चाहता हूं कि ये हैमर ही बने और मेरी एक्यूरेसी ठीक बैठे, और ये एट द बॉटम ऑफ द चार्ट है तो मैं यहाँ पे हैमर जरूर लूंगा। अर्ली एंट्री मैंने इसलिए ले ली क्योंकि मैं मार्जिन पे ट्रेड करना चाहता था, ठीक है। और मार्जिनल ट्रेड आपको हमेशा हेल्प करता है, मार्जिन पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा हेल्प करता है एक लिवरेज देने में ट्रेडिंग में, ठीक है। और यहाँ पे हमने हैमर एट द बॉटम ऑफ द चार्ट था, इसलिए मैंने अप की तरफ ट्रेड लिया और ये देखो आपके सामने अप की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं ट्रेडिंग में। मैं जब सिग्नल्स भी प्रोवाइड करा रहा होता हूँ अपने VIP ग्रुप में, तो देखो मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि अप की अप तरफ दिए जा रहा हूँ सिग्नल्स या डाउन दिए जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द मार्केट मैं सिग्नल्स अपने चेंज करता रहता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि मार्केट अप जाएगा तो मैं अप के देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा डिसीजन कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, क्लियरली आपके सामने विजिबल भी है, और ये भले ही लॉन्ग विक बना ले, ये हैमर कैंडल का सपोर्ट इतना अच्छा आएगा यहाँ पे कि हमें यहाँ पे अप की तरफ के ही मूवमेंट देखने को मिलेंगे लगातार। और ये यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुका है, यस हो चुका है मेरा प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1-2 ट्रेड और लूँगा, ठीक है, तो दैट विल बी ए सफिशियंट प्रॉफिट फॉर टुडे। और ये यहाँ पे सपोर्ट भी करेगा, ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बना के इसको सपोर्ट भी करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोर्ट का लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। अगर आप क्लोजली इस मार्केट को वॉच करोगे तो यहाँ तक ये ग्रीन बना के यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा ये सपोर्ट, और हमें डाउन की तरफ ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। दैट के उस केस में हमें डाउन की तरफ ट्रेड लेनी चाहिए। इस ट्रेड में मेरे से एक गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पे जो है टाइम अपना थोड़ा एडजस्ट नहीं करा है, तो मेरे ट्रेड में ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं मिल पाया, ठीक है। 18 सेकंड अभी बचे हुए हैं, शायद ट्रेड मेरी यहाँ पे ये लॉस हो जाए क्योंकि यहाँ पे मैं अपना टाइम नहीं चेंज कर पाया। इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा टाइम चेंज करके 7 करूँगा, ठीक है। 7 करके अब मैं यहाँ पे डाउन की तरफ मार्टिंगल लगाऊंगा 4 ट्रेड का, ठीक है। आपके सामने ये देखो
यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड का मार्टिंगल लगाया है, यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था 2 ट्रेड का, उसके बाद मैंने 4 ट्रेड खोले हैं। अब ये देखो मेरा ट्रेड जो है यहाँ पे टाइम मैंने ज़्यादा बढ़ाया था, अब मैंने ट्रेड में 2 मिनट से भी ज़्यादा दिए हैं, 3 मिनट दिए हैं अपने ट्रेड को। अगर आप देखोगे 3 यहाँ पे 2 मिनट्स 44 सेकेंड का मेरे सामने ट्रेड रनिंग है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मैंने 2 मिनट दिए हैं ट्रेड को, आप देखते रहिए क्लोजली, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बिगर टाइम फ्रेम करने का मेरे को फ़ायदा क्या मिला, यहाँ पे ग्रीन मारुबुजू कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ, देखो ट्रेड मेरा कितना नीचे जाके प्लेस हुआ है, और ये 4000 का नहीं, इनफैक्ट 5000 का ट्रेड लगा है, 5 ट्रेड ओपन हुए थे $1000 के। और मारुबुजू क्रिएट होने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये जो कैंडल नेक्स्ट भी बनाएगा ग्रीन ही बनाएगा, लेकिन अब हमें हमारा सफिशेंट प्रॉफिट हो चुका है, और एक लेवल के बाद हमें मार्केट से एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो जाता है उस लेवल पे, ठीक है। राइट नाउ बैलेंस राइजेस टू $19,952 का, और हमारा सफिशेंट प्रॉफिट आपके सामने हो चुका है, यहाँ पे ये लॉस भी हुआ था, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।